फतेहपुर खासा मशहूर पीपल वाले पीर की दरगाह के लिए। कहते हैं फतेहपुर वे ही आते हैं, पीपल वाले पीर जिन्हें बुलाते हैं। प्रधानमंत्री फतेहपुर आ रहे हैं और दरगाह के रिकॉर्ड से पता चला है कि उस दिन के खादिम आप होंगे। प्रधानमंत्री जी पूरे 20 मिनट तक आपके साथ बिताएंगे। किस्मत के साण हैं आप पैंचो। असलम बंजरोला डे नाइट सर्विस। ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, तुम्हारे जैसे जाहिल और गमारों का नहीं। क्यों अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो? जंग लगी तलवार ने तुम्हारे प्यार में मेरा जीना हराम कर रखा है। पंचो, तेरी माँ की दिलता है तुम उससे, मैं तुझे काट के फेंकूंगा। Any problem? आप भी पड़ोसी पाकिस्तान से परेशान है, मैं भी हुजूर। बार बार मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है पड़ोसी से। It's terror alert. Give him Z security. एक देश का प्राइम मिनिस्टर एक सड़क पर जोड़े पंचर। जय हिंद सर। तुमने ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री से कि घर के बाहर इतनी पुलिस लग गई? अरे मिल गए दोनों लकबे। ये सब दिन रात यही रहेंगे? जी मैडम। क्या आपको कोई धमकी मिली है? कौन है ये लोलू, बहुत पैसे वाला है क्या? नहीं भाई, दरगाह में खादिम है। खादिमों को कब से धमकी देने लग गए हम लोग? अब क्या मुझे भी तारे गिन गिन के रात काटनी होगी? 24 घंटे मुझ पर पहरा है मेरी जान। इस पूरे क्रिकेट टीम को लेकर तुम्हारे यहाँ कैसे आऊं? दिन में एक बार अकेले बाहर जाने दिया करे ना। ये मुमकिन नहीं है सर। जीना आराम हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लिए नहीं भर थर करके लिए जी रहा हूँ। तुम लोग उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐलान कर देंगे जेट सिक्योरिटी के अंदर घुस के हमने झंडू को ठोका है। खबरदार, जो सिक्योरिटी हटाने का ख्याल दोबारा अपने मन में भी लाया। पंचर वाले से शादी कर मुझे मिला क्या है? मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस बार आप फतेहपुर से चुनाव लड़े हमारी पार्टी से। खादिम साहब, बहुत बड़ी चूक हो गई है। किससे सर? शायद प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री भी गलती करते हैं? अब प्रधानमंत्री को तो हम गलत नहीं कह सकते ना। अच्छे दिन अब आने वाले हैं 21 नवंबर से।